बस कीजिए जनाब, उन काफिरों का नाम मत लीजिए, अल्लाह कसम खून खौलता है। AK-47 खरीद लूं क्या? लाइसेंसी की रहे हो लोग पी जाए। हिडन स्ट्राइक, पाकिस्तान आर्मी, AK-47, ठीक, डेथ वारंट, वेब सीरीज, ओएम फॉरेस्ट गार्ड, ओएम AK-47, ऑपरेशन भारत, टेररिस्ट AK-47, यू अटैक टेररिस्ट AK-47। दियो कास्टिंग डायरेक्टर से भेंट करूं, कास्टिंग डायरेक्टर हो वहां के टाइम पूरा देखा तो वो खाना आ जाए भाई। एगो सुशांत सिंह बिहार का सब अपन जगह छे, जखन लॉकडाउन भेले त हम एक साल के लिए गांव में लो बगलो मिल गेला हीरो काम आए के पप्पा का बिजनेस समय थी तो हीरो बने गेला। एगो छले जे हमर कुछ काम देखने छले हुनका रहे कते निक लड़का, एगो गांव से पहिलुक लड़का निकलले है जे कई लाइन में गेले डॉक्टर इंजीनियर तो सब बन गए। दिल्ली में भूखले रहलो, एक टाइम 3 साल तक खाना खेलो, ये सब नहीं हम बताया क्या, ये सब हमर जर्नी चला। दोसर के छोड़ो वहाँ के घर का आदमी तक सुना, हमर घर का आदमी खुद ने इच्छा चाहे चले हम एक्टिंग में जाए। वो वेब सीरीज के लोग जो कि हंगामा और MX प्लेयर पर रिलीज हुए 2022 में, मुरारी द मैट जेंटलमैन, एक बट्टा दो, ओके बाद एक मैथिली में फिल्म के नाम प्रेमक बसा। हम अपन शुरुआत हमारा मिथिलांचल से भेल। जय हिंद, जय मिथिला। हम श्री कृष्णा, अहाँ देख रहल छी स्टैंड विद मिथिला। और आइ हमर ऑफिस पर एकटा नव पाहुन अयलथि है, नाम छनि आशुतोष सागर। और ई पेशा से एकटा एक्टर छथि, बहुत सारा सिनेमा केने छथि, बहुत सारा सिनेमा पर काज कर रहल छथि। तो सबसे पहिने आशुतोष भाई, अहाँ के बहुत बहुत स्वागत है स्टैंड विथ मिथिला पर। धन्यवाद भाई, खासतौर पर अहाँ के जो दर्शक है उनको हमारे प्रणाम। बिल्कुल। अच्छा आशुतोष भाई, पहले एक बार अहाँ के हम परिचय पर आयब, अहाँ अपन एक छोट सिन परिचय दे दिया। अहाँ के उम्र कते, गाम कत है? नाम तो अहाँ पते है जी, हमारे गाम भेल घोवरडीहा, मधुबनी जिला में एगो जगह छे घोवरडीहा, ओहिठाम हमारे गाम भेल। और बेसिक शिक्षा जे छै से हमारे गाँव से भेल यऽ, बाकी उम्र एखन 30 चल रही, मतलब 30 साल चल रहा है। अच्छा अच्छा, उम्र पूछे के कारण यो छला जे अहाँ जते कम उम्र में जते उपलब्धि अहाँ हासिल कलो हैं वो एगो काबिले तारीफ छे। बहुत सारा लोग के मन में ई रहे छे जाने के कि एक्टर सब के लाइफ केहन होइ छे, एक्टर केना के रहन सहन हुनकर रहै छन, ई हमर एगो पहिल प्रश्न अछि। और ढेर सारा हिनका से हम सब बातचीत करब, अहाँ सब पूरा वीडियो जरूर देखू। खास कर जो नव जनरेशन छे जिनका एक्टिंग के शौक छन, जो चाहे छथिन जे हम बॉलीवुड तक के सफर करी, हुनका लेल ई एपिसोड बहुत काजक भ सकै छन। अहाँ देखू और शेयर जरूर करब। अहाँ के सवाल छला जे एक्टर के लाइफ की रही छे। देखियो एक उन आम इंसान और एक्टर में यह फर्क छे जे एक्टर 24 घंटा एक्टिव रहै छे। यदि वो सुतबो करै छे ना तो हमरा जनते ओ समय वो कामे करै छे। बाकी एक्टर का एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, हर चीज के ओकरा नॉलेज हेबाक चाहिए, हर चीज के बारे में वो अदर आदमी से ज़्यादा वो चीज़ के खोज कोशिश करी छे। पर एगो जिज्ञासा कह सकै छे ना, ओकरा पीछा चीज नया नया चीज सीखे के जिज्ञासा होइ छे। किया तो ई फील्ड एहन छे ना, अहाँ कहियो अपने आप के ई नहि कह सकै छे आब हम परिपूर्ण भ गेलहुँ। हर दिन एगो नया विधा अहाँके सीखे के यऽ, हर दिन अहाँके पढ़ऽ पड़त, हर दिन अहाँके एगो नया चीज सीखे पड़त। और सीखे के लेल कोनो उम्र नहीं छे, एगो बच्चा अहाँके सिखा के चल जाएत जे चीज अहाँके नहीं अबैए, किया तो अहाँ कखनो परिपूर्ण भ ही नहीं सकै छी एहिमे। तो इएह चीज बिल्कुल आशुतोष भाई बड़ा दिल के बड़ा साफ व्यक्ति छै, जे किछु बजै छथि बड़ा स्पष्ट बजै छथि। मुंबई में अहाँ रहै छी अखन फिलहाल? अखन फिलहाल तो मुंबई में छी। अच्छा, बहुत सारा अहाँ सिनेमा के लोग हैं जाहिमे निगेटिव रोल अहाँ के बेसी पसंद है, जे हमरा अवलोकन अछि जे हम अहाँ के देखलहुँ हैं। और हिनकर जो एगो सिनेमा छन जो कि अहूँ सब देखने हैं शायद, द हिडन स्ट्राइक, ई खास करके जखन पुलवामा पर अटैक भेल रहे तो ओहिपर बेस्ड एकटा मूवी बनल रहे, मतलब ओहिपर बेस्ड नहीं, ओहिके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक भेलै ओहिपर बेस्ड एगो मूवी बनायल गेलै, जाहिमे कि अहाँ के एगो पाकिस्तान के आर्मी के तौर पर बतौर एगो रोल भेटल रहे। हाँ, ओहिके पीछा की कहानी छै? देखिए ओहिके पीछा ई कहानी छै जे ओहिसँ पहिने ओहि डायरेक्टर के संगे हम एगो काम केने रहौं, एक बट्टा दू, जे कि झारखंड में शूट भेल रहे, तो ओहिमे हम मेन असिस्टेंट डायरेक्टर गेल रहौं और एगो सीन हमरा करी के भेटल रहौं। ओतय जे एक्टर आबै वाला रहे ओ नहि अयलै तऽ कहलकै आशुतोष तू कऽ ले, तऽ ओहिठाम हमर काम देखलथि। ओ हमरा कहलथि जे ठीक छै, अगला एगो हम फिल्म बना रहल छियै, ताहिमे तोरा टेररिस्ट के कैरेक्टर करबाक छौ, तऽ कोनो नहि तैयारी कर। तऽ बाकायदा हम 6 महीना दाढ़ी बढ़ेलहुँ, आप सोचि सकै छियै एगो, और थिएटरोमे हम ज्यादा मुस्लिम कैरेक्टर केलियै, किया तऽ ओहिके कारण छै एगो छी हम बिहार से, लेकिन उर्दू हमर बहुत बढ़िया है, मतलब मजबूत है कह सकै छी। तो वो हमरा
टेररिस्ट के कैरेक्टर होता भेटल तो हम 6 महीना ओकर तैयारी केने रहूँ ओहि कैरेक्टर के, और जखन कैरेक्टर शूट दिले तो डायरेक्टर के पसंद दिले, बाकी बाद में रिलीज भेला के बाद लोगों को पसंद दिले। हाँ जखन कोनो रोल करै छी तो एकदम लागै छै जे सही में हाँ ओहिमे घुस गेल गया, मतलब जे हाँ खास कर जे गोटे नहीं देखने जा उनका हम तब यूट्यूब पर अवेलेबल छै द हिडन स्ट्राइक, और ओहिमे जे अहाँ के रोल है ओहिमे एकटा हमरा लाइन याद है जाहिमे कहै छी उस्ताद हिंदुस्तान की हवा आ रही है एम की शायद, हाँ, बस कीजिए जनाब, हाँ उन काफिरों का नाम मत लीजिए फिर से कहियो एक बार जरूर पूरा अजय डायलॉग आके याद है, बस कीजिए जनाब उन काफिरों का नाम मत लीजिए अल्लाह कसम खून खौलता है। देखियो हाँ सीन कहाँ अब मूवी देखब जरूर अहाँके नीक लागत और बहुत सारा इनकर मूवी छन, कोन कोन मूवी में रोल के देखियो हम अपन शुरुआत हमरा मिथिलांचल से भेलिए। हाँ। झा विकास भैया के जानते हैं तो झा विकास भैया एगो फिल्म बनबे छलखिन मैथिली में मुखिया जी। अच्छा तो हम पहलुक हमर वह फिल्म छी जब एगो छोट छिन कैरेक्टर हमू करैत रहूँ और ओत से हमर लाइफ चेंज भेल। ओहि समय में हम शौकिया तौर पर कि छला जहाँ एक्टिंग करवा गया प्रोफेशनल थिएटर जो प्रोफेशनल थिएटर होते नहीं छे गाँव में, तकर बाद हम बकायदा प्रोफेशनल थिएटर दिल्ली में 9 साल केलों, ओकर बाद हम हर साल दूटा तीनटा प्रोजेक्ट करत गेलों, मुरारी द मैट जेंटलमैन, एक बट्टा दो, ओकर बाद एगो मैथिली में फिल्म केने रहूँ प्रेमक बसात, ओयो में विलेन हमी छी। अच्छा ओ में विलेन के रोल आएंगे। हाँ तकर बाद फिर एगो वेब सीरीज केलों जे कि हंगामा और एमएक्स प्लेयर पर रिलीज भेल 2022 में डेथ वारंट। अच्छा जैमे पैग पैग एक्टर छला तो ओयो में कह सके छे लीड कैरेक्टर हमी छलों, बाकी एखन 3-4 प्रोजेक्ट कर रहल छी। अच्छा मैथिली से हो अहाँ चूंकि हमरा एक शूट के दरमियान मेट वाले थे आशुतोष भाई और ओहि में की रोल छले अहाँके एखन जे कर रहल छी एखन जे कर रहल छी ओहि में किछ बाध्यता है एहि के बारे में नहीं पूछू नहीं बता सकै छी कि हाँ विशेष नहीं बता सकै छी पोस्टो के नहीं मनाए छे। हाँ हाँ बाकी एते कह सकै छी हम पत्रकार के कैरेक्टर कह रहल छी और एगो मेजर कैरेक्टर छे महत्वपूर्ण कैरेक्टर छे तो ओहिमे का किछ डायलॉग अहाँ बाजि सकै छी नहि एखन ओहि के बारे में किछ नहीं बता सकै छी आ चूंकि होइ छे प्रोडक्शन के जे प्रोडक्शन कमिटी रहै छी या जे किछो प्रोड्यूसर रहै छथिन हुनकर डायरेक्टर के एगो बाध्यता रहै छै बहुत बढ़िया काज कर रहल छै अहाँ एतेक कम उम्र में एतेक बढ़िया काज कर रहल छी स्टार्टिंग के दौर में बड़ा स्ट्रगल भेल है लोग सब बड़ा की कहाँ कहने हेता अब देखियो पहिलुक बात छी जे लोग के सुनबे त अहाँ अपन नहीं कहते और अहाँ के अपन यदि करवा दिया ना तो लोग अहाँ के सुनेबे करत दोसर के छोड़ो अहाँ के घर के आदमी तक सुने हमर घर के आदमी खुद ने इच्छा चाहे छलै जे हम एक्टिंग में जाए जखन गेलिए तो हमरा ई घर से कहल गेलै जे थिएटर कर हम सोचलिए जे थिएटर करबे तो हमरा घर से ई कहल गेलै जे बुआ अपन देख लीहे मतलब घर से तोरा खर्चे नहीं मिलतो पढ़ाई कर बाद छू जते दिन कर थिएटर कर भी घर से पैसा नहीं भेटतो हम के लिए नहीं करवा दिया ना हमरा खुद जे करवा दिए वो करवा दिए स्ट्रगल हर ककरो होइ छै लेकिन वो जे आब हम ई नहीं आए कब जे दिल्ली में भूखले रहलो एक टाइम 3 साल तक खाना खेलो ई सब नहीं हम बताए किया ई सब हमर जर्नी छल ये हम अपन जे हमर पैशन रहा ओकरा हम फॉलो करे के लेल केलो हमरा कोनो डॉक्टर नहीं कहने रहे बेटा तू एक्टिंग कर भी तहने तू जिंदा रही एहन कोनो कतौ नहीं छल हमरा पसंद रहा हमरा वो करवा कर अने हमरा घर से प्रेशर रहा जे तू इ कर तो हम अपना लेल ओ केलो ओ हम आगे नहीं सुना स्ट्रगल हर आदमी के होइ छै लेकिन हमरा से पूछो तो आब स्ट्रगल है पहिने स्ट्रगल नहीं रह वो कहे ना जे हर चीज का अहाँ का कमी रहत ना तो फ्री होइ छै लाइफ अहाँ हर चीज कह सकै छी लेकिन आब स्ट्रगल है जे अइ काम अहाँ कहलिए जे ओहिमे हम बड़ नीक काम कयलब कल के डेट में हमर दोसर फिल्म हेतै और अहाँ के पसंद नहि आयत अहीं कहबै जे आशुतोष जी ओहिमे खराब काम केलहुँ और अइ चीज से हम बहुत डरै छी हम बहुत कम काम कर रहल छी तो कम काम करी एहि दुआरे जे हम कम काम करी लेकिन नीक काम करी ताहिके चलते बाकी स्ट्रगल तऽ छी लोक लोकके माइंड सेट एहन छै जखन लॉकडाउन भेलै तऽ हम 1 साल के लेल गाम अयलहुँ तऽ ओतऽ 2 तरहके मेंटेलिटी रहै लोक डायरेक्ट नहि कहै इनडायरेक्ट लोकके देखलाके बाद ओकर एक्सप्रेशन देखलाके बाद ई चीज तऽ समझमे आबैत रहै जे ओकर मेंटेलिटी 2 तरहके छै एगो जे हमरासँ द्वेष रखै छै हुनकर रहनि भऽ गेलौ बनि गेल हीरो काम आबि कऽ पप्पाके बिजनेस सम्हारती तऽ हीरो बनि गेला भाई कहे नहीं छलै तो उनका चलैत रहन दिमाग मतलब समझ में आबै छै ना कि एगो छलै जे हमर किछ काम देखने छलै हुनका रहै कते नीक लड़का
एगो गाँव से पहलुक लड़का निकलने हैं जे एहि लाइन में गेलै डॉक्टर इंजीनियर तो सब बनले बहुत छे बिल्कुल, लेकिन फिल्म आर्ट में हम अपना गाँव से पहलुक छे तो हुनका रे किया आबि गेलै गा। एक साल बीच में हम बिल्कुल ड्रॉप कर दिलिए, काम के बे निकलिए एक साल। तकर बाद हम फिर 2023 में जुलाई से काम शुरू कलूँ तो बैक टू बैक एखन 5 फिल्म के। तो इच्छे मतलब एना चले छे और हां आप लगभग ककरो सुनै नै छी, अपना हिसाब से काज केलौ, अपन प्रयास केलौ। भाई लोग के सुनबे तो हम अपन नहीं कह देबे, बिल्कुल नीक करबे तो यो लोग किछ न किछ कहते और खराब करबे तो यो लोग किछ न कहते। अब ये बहुत खुशी के गप छै जे मिथिला के एकटा बेटा जो बॉलीवुड में जाकर सेहो अपन झंडा फहरा रहल छै। बॉलीवुड के सफर केना, मतलब मैथिली टू बॉलीवुड ई केना? देखियो मैथिली से शुरू केलौ, मिथिलांचल मतलब मुखिया जी से शुरू केलौ और हमर दूसरे फिल्म हिंदी रहा मुरारी द मैट जेंटलमैन। तो ओहिमे कतौ न कतौ ओहि समय हम थिएटर करैत रहौं और फुलपरास के एगो सागर झा जी छै जे जिनकर लिखल फिल्म छलै ओ, और ओ बिहार मिथिलांचल के स्टोरी रहै तो हुनका मैथिल टच वाला एक्टर सब चाही तो ओ हमरा ओहिमे कास्ट केलथि। हीरोइन के एगो सेकेंड हीरोइन के भाई के लेल लेकिन छी पूरा फिल्म, लेकिन ओते डायलॉग बहुत कम यऽ। ओकर बाद ओ डायरेक्टर के काम पसंद अलै या व्यवहार पसंद अलै किछु कहि सकै छियै। तो ओहि समय में हम दिल्ली में थिएटर करैत रहौं तो थिएटरो करैत रहौं साथ साथ हमरा ओ बैक टू बैक ओतऽ से काम भेटऽ लागल। तो ओ हमरा लगातार 4-5 काम देलक, तऽ ओते हमरा ज्यादा स्ट्रगल नहि करऽ पड़ल हिंदी में आबै के लेल। ओ कतौ न कतौ सपोर्ट रहा हमरा संगे। बिल्कुल। अच्छा एकटा चीज कहल जाइ छै जे बॉलीवुड खान के मतलब खान के बहुत बड़का ओहिपर मतलब पैक्ट छै, अहाँ कहि सकै छी जे ओहिके बादशाही मानल जाइ छै जे भाई बॉलीवुडमे अगर किछु चलतै तऽ सिर्फ खानके चलतै, आउटसाइडरके इग्नोर कयल जाइ, कहीं ना कहीं अहाँके फील भेल? देखियौ खाने ने किछु ने किछु कतौ कतौ तऽ छै, मतलब ककरो ने ककरो दबदबा दै छै, आउटसाइडरके स्ट्रगल ज्यादा छै। ई बात अब छुपल नहि छै, जखन सुशांत सिंह वाला केस सामने एलै आउटसाइडरके स्ट्रगल ज्यादा छै और कहबै जे स्टार किडके किया फायदा छै। तो ओकर बच्चा जे दिन 10 साल के 5 साल के होइ छै ना ओहि दिन से सेट पर जाइ छै, केना शूटिंग होइ छै केना की होइ छै ओकरा हर चीज पता होइ छै। और हम सब जे आउटसाइडर छियै ओकरा सबके तो 100 में फर्क नहि पता होइ छै। फर्स्ट टाइम हमरा लगे बड़का बड़का कैमरा के सामने जाए तो अच्छा एहनो कैमरा होइ छै। ओकर बाद जाकर पहिने दिल्ली में जाकर हम सब थिएटर करै छी, दिल्ली या कतौ भी थिएटर केला के बाद डिक्शन जे छै ओ पर काम करै छी। तकर बाद मुंबई गेलहुँ तऽ सोचै छी आब फिल्म करब तऽ ओतऽ तऽ पहुँचैमे टाइम लगि जाइ छै ना। सही बात छै। ऑडिशन दियौ, कास्टिंग डायरेक्टर से भेट करू, कास्टिंग डायरेक्टर अहाँके टाइम देत तहन ना। और हमरा एहन बहुत छै ऑडिशन के लाइन में लगै वाला, लेकिन स्टार किड के ई तऽ कनी फायदा छै, दबदबा तऽ छै लेकिन यदि अहाँमे टैलेंट यऽ तऽ कते दिन? हाँ बिल्कुल, टैलेंट तऽ ओ तऽ भेबे केलै ना। सुशांत सिंह एगो अपन फुटप्रिंट एगो एहन दऽ देलकै बॉलीवुड मे कि लागै छै भाई अहाँ कतबो कपूर आबि जाय कतबो खान आबि जाय भाई एगो सुशांत सिंह बिहार का है, अपन जगह छै। हाँ तो खैर ये सब चीज तो चलो ये बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के बात छे। एक पोस्ट अहाँ के रहा जे AK-47 खरीद लूँ क्या लाइसेंसी की रहे, मतलब की जाए भाई अपना निगेटिव रोल बैठे रह तो चल। नहीं ना वो में भले कि आगे हम बतबे 2018 द हिडन स्ट्राइक पाकिस्तान आर्मी AK-47 ठीक, फिर 2020 डेथ वारंट वेब सीरीज ओहिमे फॉरेस्ट गार्ड ओहिमे AK-47 ओकर बाद फिर 2023 ऑपरेशन बारात टेररिस्ट AK-47 निगेटिव रोल में बिहू अटैक टेररिस्ट AK-47 मतलब अहाँके कम्फर्टेबल लगे जे हम ई रोल बहुत तगड़ा कऽ सकै छी? देखियौ ओहो एक हर एक्टर के एगो अपन जोन होइ छै जाहिमे ओ कम्फर्ट होइ छै। बिल्कुल। तऽ हमरा कहाँ लगैए जे हम नेगेटिवमे कम्फर्ट छी और दोसर हम दू तरहके कैरेक्टरमे अपने आपके लगैए जे हम बेहतर कए सकै छी, एगो या तऽ नेगेटिव कैरेक्टर या फुल इमोशनल कैरेक्टर। अच्छा हाँ ई हमर दू गो अपन बेहतरीन जे बेहतरीन परफॉर्म करैके जोन यऽ जाहिमे हमरा स्ट्रॉन्ग जोन बनै छी एकरा। ओहिमे मतलब जखन अहाँ टेररिस्ट के रोल लै छियै कियाकि देखियौ जे जे देखै छै ओकरा दिमाग में यार सही में यह आतंकवादी लग रहा है। देखियौ भाई मतलब हमारे कहना में अहाँ एतेक ज्यादा कैरेक्टर के अंदर एंट्री कऽ जाइ छियै, एतेक ज्यादा ई सब के प्रिपरेशन अहाँ के मतलब केना रहै छै? एहिमे हम कतौ न कतौ जे हमर गुरु छथि जॉय मैसनम
एनएसडी पास आउट छै और दिल्ली में एगो ट्रेजर आर्ट के ग्रुप चलै छै जे साइकोफिजिकल पर काम करै छै, मणिपुर के ग्रुप छै। हुनकर कतौ ने कतौ बहुत योगदान छै। वो हमरा सबके सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे 11 बजे तक आर्मी ट्रेनिंग जेना होइ छै ना तना ट्रेनिंग देलखिन, और आइ जे कॉन्फिडेंस के छै ना वो हुनकर देल छै। और दोसर बात छै, हम ज्यादा काम करै नै छियै, साल में 2 टा प्रोजेक्ट केलहुँ। डायरेक्टर हमरा पहिने कास्ट कए लै छै, तो हमरा लग टाइम भेटै छै खुद के काम करै के लेल। ओ जे हम कोशिश केलहुँ जे ओहिमे ढलै के कोशिश केलहुँ। डायरेक्टर सबसे कांटेक्ट अहाँ के बढ़िया राखे पड़ी है या डायरेक्टर अहाँ के खुद ढूंढ लिया क्या? देखियो दू चीज छै, यदि किनको ई लगैत हेतै जे आशुतोष अगर चमजागिरी कऽ के काम लेतै तऽ ई हमरा ब्लड में यऽ जे हम अहाँके एहि दुआरे अहाँ से बात करब जे अहाँ हमरा काम देबै। नहि, यदि हमर अहाँके जरूरत यऽ, अहाँके लगैया जे ई कैरेक्टर आशुतोष बेहतरीन कऽ सकै छै, तऽ अहाँ हमरा कास्ट करू, नहि तऽ अहाँ हमरा नहि करू। बिल्कुल। और हमरो लागत जे हम एहि कैरेक्टर के संगे न्याय कऽ पेबै तहने हम कहब जे हम ई करब, नहि तऽ हम नहि करब। वाह, ई चीज एतेक ऑनेस्ट जे छै से अपन रिव्यू दऽ रहल छथिन। और ई स्ट्रगलिंग फेज मे एहि तरहके चीज माइंड सेट रहनाइ ई एगो बहुत पैघ आबऽ वला टाइम के लेल इशारा छै। तो आशुतोष भाई, जखन आप गांव आवे छी, लगे जे हाँ जो लोग मतलब बोल रहा था, जिनको लग रहा था कि कुछ नहीं करेगा ये लड़का, मुंबई में धमाल मचा के आ रहा है, मजा आएगा, एहन किछु आबै यऽ मन मे? नहि, ई जे गांव आबै छी ये वाला शब्द कहै छी ओहे गलत यऽ। हम गांव ज्यादा आबै रहै छी, तऽ हमरा ई फर्के नहि पड़ैए जे हम गांव रहै छी कि मुंबई रहै छी। अच्छा, जतऽ ओतऽ काम भेल ओतऽ रहलहुँ। हाँ, जखन हम थिएटर करैत रहियै तहन गांव बहुत कम अबैत रहियै, किया तऽ ओतऽ टाइम नहि दै छै। थिएटर वाला कते दिन के नै रहियै? लगभग 9 साल। 9 साल? हाँ, तऽ 9 साल में 3 बेर गांव आयल रहियै। तो लेकिन जहन मुंबई शिफ्ट भेलियै तहन हम ज्यादा टाइम गांव में देलियै, और एखन तऽ और ज्यादा टाइम दे रहल छी किया तऽ कनी। हाँ बिल्कुल। और अहाँ के काजो तो भेट रहल है अपना समाज के बीच में, समय नहीं छिना जे आब हमरा अधिकम हम भेट जाइए। साल में 4-5 टा प्रोजेक्ट हमरा कतो रही हमरा आबि जाइए, तो ठीक छै। मुंबई रही, गांव रही, तो आब हमरा लेल नॉर्मल है। बाकी लोग के अब लोग जेहन भऽ जेतै तेहन हम नहीं बोल सकै छी। बिल्कुल। हाँ, ई छै जे कहि सकै छियै जे हमर हम सेलेक्टिव छी, हम जे हर आदमी सँ खुल नहि सकै छी, हर आदमी सँ उस तरह से हमरा नहीं है। किछु हमर दोस्त यऽ गाँव में जिनका सने हम बात करै छी, नहि तऽ ज्यादातर दोस्त सबके बीच मे अहाँके की रहै छै या दोस्त सबके अहाँके प्रति की भाव रहै छै? दोस्त सबके की रहै छै, बस एके बेर ये रहै छै हाँ तोहर प्रोजेक्ट देखलक, हाँ बढ़िया काम केला, ओकर बाद दोस्त दोस्ते होइ छै भाई। दोस्त के समय में अहाँ स्टार नहीं छियै, वो तो है वाला बात छै, दोस्त दोस्ते होइ छै। अहाँ कतबो पैघ पैन जेबै दोस्त के लेल अहाँ पैघ नहि भऽ सकै छियै, मित्र मित्र रहते। हाँ, MS धोनी के देखै छियै बिल्कुल एकदम से काउंटर करबै ना तो इंसानियत नहि कहै छै। बिल्कुल। किछु चीज के इग्नोर करब ओ नहि कहै छै, ओकरा हालात कहबाबै छै। बिल्कुल। काल्हि के डेट में वह आदमी अहाँके ई कहेला आयत, अरे हम तो बुझते रहिए लड़का एक दिन बहुत आगा जेतै, हम तो बस अहिना ओकरा टेस्ट लेत रहिए। सही बात छै, तो ओ चीज सब इग्नोर करू ना। बिल्कुल, आगा बढ़े के तो इग्नोर करना ही सीख। हाँ। तो मिथिला के लेल ई बहुत खुशी के गप छै। अच्छा, तो मैथिली फिल्म के और बॉलीवुड के हम कनी कंपेयर एहि दुआरे करय चाह, कंपेयर तो नहिए कह सकै छी कोनो भी हाल में, बट अहाँ के अखन की लागि रहल अछि? मैथिली फिल्म नर्चर भऽ रहल छै, मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के फ्यूचर देखा रहल अछि, बतौर एगो कैरेक्टर हम पूछ रहल छी अहाँ सँ। देखियो, मैथिली फिल्म के फ्यूचर छे। अच्छा, लेकिन ओहि के लेल हमरा अहाँ के खासतौर पर जे मैथिल छिए, हम अहाँ तो मैथिल छिए ना, तो हमरा अहाँ के जागरूक हुआ पड़त अपन भाषा अपन कल्चर के प्रति। हम अहाँ इग्नोर करबै ना तो फिर मुश्किल है। अच्छा, अहाँ बिहू अटैक जे सिनेमा के लिए ओहो में अहाँ के आसाम के बारे में जाने के भेटल है। आसाम में सो अपन आसाम के आसामिस के फिल्म इंडस्ट्री छे। हां, ओतय सो अगर मैथिली के कंपेयर करी हम सब, चूंकि एगो क्षेत्रीय के क्षेत्रीय से हम कंपेयर कर रहल छी, तो अहाँ के ओइसे ओइ में कते डिफरेंस लाग रहल? यदि अहाँ कोनो भी भाषा के फिल्म इंडस्ट्री से यदि मैथिली के कंपेयर करै छियै तऽ अहाँ बहुत पाछा छी। अच्छा, लेकिन
एहिमे की फैक्टर एहन लागि रहल अछि? फैक्टर कहलहुँ ने, सबसँ पहिने तऽ हमरा सभ लए हॉल नहि यऽ, दोसर बात हम अहाँ फिल्म देखय लए नहि जाइ छियै, जखन फिल्म हॉल रहबे करब फिल्म लागल तकर बाद अहाँ सभ देखय लए नहि गेलियै, प्रोत्साहन नहि भेटलै। दोसर चीज छै गुटबाजी मैथिलीमे बहुत छै, एक जे किछु फिल्म बनै छै किछु प्रोड्यूसर आबै छथि तऽ ओ जे कॉमर्शियल फिल्म बनबै लए आबै छलखिन तऽ गुटबाजीके चक्करमे ओ सही बात छै बर्बाद भऽ जाइ छथि, नीक एक्टरके कास्ट नहि करथिन, बाकी जे किछु इम्हर उम्हरके लोक सभ छै ओ हुनका फँसा देतै। अहाँ भोजपुरीवला जे सोचबै ओ मुश्किल यऽ, बुझि रहल छी हम की कहि रहल छी, जे एकरा हीरो बना दै ओकरा ओ बना दै प्रोड्यूसर ई बनि जेतै डायरेक्टरके बेटा ई बनि जेतै, ई कए कऽ जे अहाँ चाहबै मैथिली इंडस्ट्रीके ऊपर उठा ली मुश्किल यऽ। लेकिन एखन नया नया जे छथि आब जे फिल्म मेकर सभ आबि रहल छथि जेना जाविकास भैया भेला प्रशांत जी भेला, तऽ हिनका सभमे ई छनि जे बजटके मारामारी शब्द रहै छै, बिल्कुल हाँ, तऽ जे मैथिलीमे एक्टर काम करय लए आबै छै ओहो इएह सोचि कऽ आबै छै जे हमर भाषा छी हम अपना कल्चरके आगाँ बढ़बै लए आबि रहल छी, तऽ बजटके ओ नहिएके बराबर हुनका रहै छै। लेकिन ईसभ कमसँ कम प्रोफेशनल जे एक्टर छै जे काम जानै छै, ई जरूरी नहि छै आशुतोषे दागर बहुत लोक छै एहन, तऽ हुनका कास्ट करै छै तऽ ई खुशीके बात छै। एखन नितिन चंद्रा छथि ओ जे फिल्म बनेलथि तऽ ठीक छै, एखन नया जे आपसी तन्मयता हमरा सबके बीच में बढ़नाय बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत एहन फिल्म छै जकरा नेशनल अवार्ड भेटल हँ, बिल्कुल ठीक छै, आब लगैए जे किछु भला होइ वाला छै, बदलाव होइ वाला छै, हाँ धीरे धीरे सरकार अगर ध्यान दै छै तऽ ओहो पर चीज हेतै, अपना भाषा में काज कऽ कऽ मजा आबैत हैत कि भाई हमरा मैथिली में देखियौ तऽ अपन मातृभाषा अपन भाषा होइ छै, जते कम्फर्ट अहाँ अपना भाषामे छियै ने ओते दोसरमे नहि भऽ सकै छियै, लेकिन फेर वएह छी बिल्कुल घूम फिर के बाद एक जगह पर आबि अटकै छै। अब अंतिम सवाल हमरा ई अछि अहाँसँ, हमरा गाम में अहाँके अयलाक बाद हमर गाम केहन लागल है? अहाँ गाम बहुत बढ़िया लागल है, ओकरा मैथिली में कहै छै बहुत नीक, बहुत नीक, हाँ तऽ बहुत नीक लागल है अहाँके गाँव, और मतलब मिथिलांचल में एगो हम तऽ की कहब हम बाहरमे पैदा नहि भेल छी, हमरो मतलब मिथिलाञ्चलमे जन्म भेल यऽ, हमहूँ ज्यादातर टाइम मिथिलाञ्चलेमे गुजारलहुँ, बीचमे 2010 बाद गैप भऽ गेल तऽ बिल्कुल, लेकिन मिथिलाञ्चलसँ ओनाहो हमरा प्यार यऽ, किछु लोक पता नहि किया हमरा मैथिल नहि मानै छथि। अच्छा हँ ई मतलब हम अहाँके थ्रू कहि गेल चाहै छी हम मैथिल छी, लेकिन अहाँ हमरासँ यदि ई उम्मीद लगा कऽ रखने छी जे तू जय मिथिला जय मैथिली फेसबुक पे कर तहन तू मैथिल छह, मैं दिखावटी वाला हम मैथिल, तो मैथिल नहीं छी, बिल्कुल जे हमरासँ जानै छथि और हमरा पता यदि ओ बंदा मिथिलांचल से छै तऽ हम मुंबईओ से हुनका कियो की हाल छै, बिल्कुल मुंबईओ में भेटलहुँ तऽ जेना हमर जीतू सम्राट छथि और खास मित्रमे छथि तऽ हुनका से हम जखन बात केलहुँ, शरद सोनू भैया छथि हुनका से तऽ बात केलहुँ तऽ मैथिलीमे केलहुँ, तऽ एगो कोशिश रहल जे अपन लोक छी हुनकासँ मैथिलीमे करी, लेकिन ई जे जय मिथिला जय मैथिलीके झंडा बुलंद करय लए फेसबुक सोशल मीडिया पर ओहि लए नहि जायब, ओ हमरा बुते नहि, मतलब कतौ ने कतौ अहाँके क्षेत्र सब प्रेम है, भाषा सब प्रेम है, अपन लोक सब प्रेम अछि, एहिके मतलब ई नहि जे आब हम मतलब शॉप जे छै हमरा लगैए अहाँ पोस्टो वगैरह फेसबुक पर सोशल मीडिया सब भी कम में रहै छी, हाँ बहुत कम रहै छी, हम तऽ एहन एहन लोकके देखलियै जय मैथिली फेसबुक पर करै छथिन, घरमे अपन बच्चाके हिन्दीमे बात करै छथिन, तऽ ओहन मैथिली प्रेमी हम नहि छी, बिल्कुल हम ओहन मैथिली प्रेमी छी जे हमरा पता रहत जे अहाँ मिथिलाञ्चलसँ छी तऽ हम पहिलुक शब्द अहाँसँ हिन्दी मतलब मैथिलीमे बात करब, तकर बाद जे अहाँ हमरासँ हिन्दीमे शुरू करब तऽ हमर मजबूरी बनि जाएत, बिल्कुल जी, तऽ सब गोटे जते देर अखन हमरा सबके सुनलहुँ हैं, हमर सबके प्रयास छलै जे आशुतोष भाईसँ चूँकि हिनकर जर्नी बहुत अहम छनि और स्ट्रगल पूरा जी जान से कऽ रहल छथि, बहुत सारा सफलता सेहो भेटलनि हँ, अहाँ सबके सहयोग रहतै तऽ ईसब आगा काज करतिए, और मिथिला के ई आवश्यक छै जे हमसब मैथिली फिल्म इंडस्ट्री के लऽ कऽ सेहो आगा आबी, अपन क्षेत्रीय लोक सब एहि चीज के समर्थन करथिन, आगा बढ़ेथिन, तखने क्षेत्र विकास करतै, चूँकि सर्वांगीण विकास में इहो एकटा आइ के समय में सबसँ पैघ हम मानै छी सबसँ पैघ एहि दुआरे चूँकि हर आदमी सोशल मीडियासँ जुड़ल छथि तऽ हुनका तक इन्फॉर्मेशन जाइ छनि, तऽ हमर सबके मिथिला एहि क्षेत्रमे सेहो आगाँ बढ़ै, तैँ अहाँ सब गोटेसँ सेहो हम आग्रह करब जे अपन मैथिली फिल्म इंडस्ट्रीके आगाँ बढ़ेबाक प्रयास करू,
और बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष भाई जे आए हमरा संगे अपन बहुमूल्य समय शेयर कलो हैं, और फिर भेंट घाट हेतु अपना सके कोनो और वीडियो में कोनो और चर्चा पर, चूंकि इनका संगे बहुत निक मित्रवत व्यवहार है हमार, तो फिर भेंट करे छी कोनो और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।